तो दोस्तों फिर स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एमपी न्यूज 30 में। तो आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित होने वाली हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी कोई काम की चीज ना छूट जाए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जैसे ही प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होंगी वैसे ही प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित हो जाएंगे। तो आप सभी को बता दें कि मार्च में के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने लगेंगे, जिसमें पंचायत चुनाव को 3 चरणों में कराए जाने की बात कही जा रही है। जैसा परिसीमन पिछली बार बना था वैसे ही उसी के आधार पर ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित हुए हैं, लेकिन हालांकि यह बदलाव कर दिए गए हैं कि जो 2022 का नया आरक्षण बनने जा रहा है। पिछली बार 2019 के परिसीमन के आधार पर चुनाव हो रहे थे, जिसके कारण सरकार ने फैसला बदलते हुए 2014 का परिसीमन कर दिया था, लेकिन चुनाव नष्ट हो जाने के कारण 2022 का नया आरक्षण बना है। उसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की बात चल रही है, और 2022 की नई वोटर आईडी का काम भी शुरू हो चुका है, जिसमें जो युवा 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं वो अपना मतदान कर सकेंगे। और आप सभी को यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सरकार पर दबाव डालते हुए कहा है कि प्रदेश में जल्द से जल्द